मैं इक्ष्वाकु वंशज राघव आपकी छाती में ब्रह्मास्त्र गाड़ने के लिए विवश हूं। अंत में जीत सच की ही होती है। आदि पुरुष को सिनेमाघरों में रिलीज हुए आज पूरे हो चुके हैं 7 दिन। जी हाँ दोस्तों, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 1 हफ्ता आज कंप्लीट कर लिया है। फिल्म के कलेक्शन में काफ़ी उतार चढ़ाव आए, लेकिन पहले हफ्ते के अंदर फाइनली फिल्म ने दुनिया भर से रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर ली है। लेकिन क्या यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर हो पाई या नहीं, यही जानेंगे इस वीडियो में। और आपको बताएंगे आदि पुरुष फिल्म के शुरुआती 7 दिनों के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और जानेंगे आदि पुरुष फिल्म ने सभी भाषाओं से दुनिया भर में कितने करोड़ की कमाई की। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि आदि पुरुष फिल्म आपको कैसी लगी, सुपरहिट या सुपर फ्लो। तो दोस्तों 2023 में काफी कम ऐसी फिल्में थी जो कि ऑडियंस को सिनेमा घर तक लाने में कामयाब रही। अगर ध्यान से गिने हम तो बॉलीवुड की मुश्किल से 4-5 फिल्में इस साल बॉक्स ऑफिस पर हिट रह पाई थी। हालांकि शाहरुख खान की फिल्म पठान तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो चुकी थी, लेकिन पठान रिलीज होने के बाद सबको लगा था कि पठान फिल्म के अगर कोई फिल्म बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के रिकॉर्ड तोड़ेगी तो वो होगी प्रभास की आदि पुरुष, क्योंकि आदि पुरुष फिल्म रिलीज होने के पहले फिल्म का बज अच्छा खासा बना हुआ था और फिल्म के लिए सभी लोगों के बीच में काफी ज्यादा एक्साइटमेंट थी। अब जब आदि पुरुष फिल्म रिलीज हुई तो फिल्म ने पहले दिन तो पठान के जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो वर्ल्ड वाइड मार्केट में पूरी तरह से तोड़ दिए थे। लेकिन दोस्तों यहां पर आदि पुरुष फिल्म की बदकिस्मती यह है कि फिल्म को जो रिव्यूज मिले वो ऑडियंस की तरफ से पूरी तरह से नेगेटिव रहे, जिसके चलते ही फिल्म ने शुरुआती 3 दिनों में तो अच्छी खासी कमाई कर ली थी, लेकिन 4th दिन के बाद फिल्म के कलेक्शन धड़ाधड़ नीचे गिरते रहे। और अब 7वें दिन तो फिल्म की जो कमाई है वो बहुत ही ज्यादा निराश करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें आदि पुरुष फिल्म के अब तक के टोटल कलेक्शन के बारे में तो ओम रोथ के डायरेक्शन में बनी फिल्म आदि पुरुष, जिसकी कहानी रामायण पर आधारित है, और इस फिल्म में प्रभास, कृति सेनन और सैफ अली खान हमें देखने को मिल रहे हैं। फिल्म का बजट है 550 करोड़ रुपए और इस फिल्म को हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा यानी कि टोटल 5 भाषाओं में रिलीज किया है। और अगर बात करें फिल्म के 5 भाषाओं के टोटल कलेक्शन के बारे में तो सबसे पहले जानते हैं फिल्म के हिंदी कलेक्शन, उसके बाद इस फिल्म के सभी भाषाओं के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करेंगे। तो दोस्तों यहां पर आदि पुरुष फिल्म ने रिलीज होते ही अपने पहले दिन हिंदी से नेट कलेक्शन 37 करोड़ 25 लाख रुपए का किया था, तो 2 दिनों में हिंदी नेट कलेक्शन 75 करोड़ 25 लाख रुपए का हुआ था। वही 3 दिनों के वीकेंड में यह फिल्म हिंदी से कलेक्शन 115 करोड़ का कर चुकी थी, तो 4 दिनों में फिल्म का हिंदी नेट कलेक्शन 124 करोड़ 50 लाख रुपए का हो चुका था। वही 5 दिनों में इस फिल्म का हिंदी इंडिया नेट कलेक्शन 132 करोड़ 60 लाख रुपए का हुआ था। वही दोस्तों ये फिल्म कल तक यानी कि शुरुआती 6 दिनों में हिंदी नेट कलेक्शन इंडिया में 138 करोड़ रुपए का कर चुकी थी। और अब बात करें इस फिल्म के आज यानी कि 7वें दिन के हिंदी कलेक्शन के बारे में, तो इस फिल्म को 7वें दिन हिंदी मार्केट में जो ऑक्यूपेंसी मिली है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर चुकी है। फिर चाहे वो मॉर्निंग शोज की ऑक्यूपेंसी हो या फिर आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट शोज की बुकिंग हो, सभी तरफ से फिल्म को आज यानी कि 7वें दिन निराशा हाथ लगी है। तो जो रिपोर्ट अभी तक आई है उसके मुताबिक आदि पुरुष फिल्म हिंदी वर्जन में अपने 7वें दिन लगभग 5 करोड़ 50 लाख रुपए का नेट कलेक्शन कर रही है। और इसी के साथ आदि पुरुष फिल्म का शुरुआती 7 दिनों के अंदर हिंदी नेट कलेक्शन 143 करोड़ 50 लाख रुपए का हो रहा है, वही हिंदी ग्रोस कलेक्शन 171 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, पहले हफ्ते में इस फिल्म का हिंदी से ऑल इंडिया ग्रोस कलेक्शन 171 करोड़ का हो रहा है। लेकिन अब अगर बात करें फिल्म के सभी भाषाओं के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यह फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा 5 भाषाओं में रिलीज हुई थी। हालांकि दोस्तों यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि आदि पुरुष फिल्म ने सबसे ज्यादा कमाई हिंदी और तेलुगु लैंग्वेज से की है,
तमिल, मलयालम और कन्नड़ा, इन तीन भाषाओं में फिल्म को कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिला था, फिर चाहे वो पहले दिन हो या सातवें दिन हो। तो अगर बात करें सभी भाषाओं के कंबाइंड वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में, तो जैसे कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन 140 करोड़ की कमाई दुनिया भर से पांचों भाषाओं में की थी और 2023 की सबसे बड़ी ओपनिंग का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था। वही तीन दिनों के वीकेंड में यानी कि शुक्रवार, शनिवार और रविवार, इन तीन दिनों में फिल्म ने दुनिया भर से 340 करोड़ की शानदार कमाई कर ली थी। वही चार दिनों में फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन सिर्फ 375 करोड़ रुपए हुआ था, तो पांच दिनों में फिल्म ने दुनिया भर से 395 करोड़ रुपए कमाए थे। वही दोस्तों छठे दिन फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है वो सिर्फ 16 करोड़ रुपए का रहा। जी हां दोस्तों, ये आदि पुरुष फिल्म अपने छठे दिन यानी कि कल दुनिया भर से सिर्फ 16 करोड़ रुपए कमा पाई। वही बात करें आज की, तो दोस्तों आदि पुरुष फिल्म आज सभी भाषाओं से दुनिया भर में लगभग 15 करोड़ रुपए कमा रही है। इसी के साथ आदि पुरुष फिल्म का शुरुआती सात दिन वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो रहा है 426 करोड़ का। जी हां दोस्तों, पहले हफ्ते में यह फिल्म दुनिया भर से 426 करोड़ की कमाई कर रही थी। हालांकि फिल्म ने जिस तरह से ओपनिंग ली थी उसे देखकर लगा था कि यह फिल्म पहले हफ्ते में 5-600 करोड़ रुपए कमाएगी और फिल्म का जो लाइफ टाइम कलेक्शन है वो तो 7-800 करोड़ या 1000 करोड़ तक जाएगा। लेकिन दोस्तों आप देखते हैं कि आदि पुरुष फिल्म का जो लाइफ टाइम कलेक्शन है वो आखिर कितना होता है। वैसे आपको क्या लगता है आदि पुरुष फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन कितना रहेगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और आदि पुरुष फिल्म के डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वीडियो देखने के लिए आपके अपने इस चैनल एकेबी मीडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। अब मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपने माता पिता का। जय हिंद, वंदे मातरम।